Okay, so guys, very good evening to all. Today is Saurabh, who was our crash course student, and today recently he cracked the Indigo Airlines interview for Lucknow base. So Saurabh, I welcome you. And Saurabh, I request ki aap tum jo hai फटाफट से बताओ interview experience कैसा था, वहाँ पे कैसे question पूछे गए, and तुम्हें क्या लगता है ये coaching तुम्हारे लिए helpful थी कि नहीं थी, and what questions they ask. हाँ, earlier guys ऐसा नहीं है कि Saurabh has not given the interview. Earlier 6 months before he gave the interview. I guess 7 or 8 months before he gave the interview, and he was not able to qualify that thing. So after 7 months, he again he's back to give the interview. So Saurabh, बताओ अपना experience क्या था, तुम्हारा experience क्या था, और लखनऊ में तुम कैसे select हुए, कितने लोग आए हुए थे वहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें बताओ यार. Thank you sir. First of all तो sir आपको बहुत बड़ा thank you. ये जो selection हुआ आपके लिए sir हुआ, ये तो पहले बोलना ही है. तो सर मेरा इंटरव्यू था, मुझे चार या पाँच दिन पहले मुझे मेल आया इन्विटेशन का लखनऊ का. तो लखनऊ का जो लखनऊ कानपुर रोड के ऊपर जो रमादा होटल है उधर सर मेरा इंटरव्यू था. तो इंटरव्यू मेरा था 11 बजे स्लॉट का इंटरव्यू था. मैं 9:30 बजे पहुंच गया उधर. तो उधर बैठा था, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद सबको लाइन में खड़े करके अंदर बुलाए. तो अंदर जब बुलाए उधर 5 टेबल था, 5 टेबल में 5 HR बैठे थे सामने, मतलब HR बैठे हैं और सामने 2 चेयर है, मतलब कोई सर जीडी वगैरह लगे हुए थे, 5 में HR बैठे हुए थे, 5 अलग-अलग HR. मतलब उधर कोई जीडी वगैरह कुछ राउंड नहीं हुआ था, मतलब पूरा जो हुआ पूरा दो राउंड हुआ, दो ही पर्सनल इंटरव्यू हुआ. पहले जब गया एक मैडम के पास, वह भी पर्सनल इंटरव्यू हुआ, वो अप्रूवल करके वो दूसरे टेबल में भेज दिया. उधर दूसरे सर के पास इंटरव्यू, वो भी पर्सनल इंटरव्यू हुआ उधर. सबसे पहली चीज, इधर बहुत कम लोग था सर, 150 के करीब लोग होंगे, सब मिला के 150 के करीब लोग होंगे. तो पहले वाले में जब मुझे भेजा तो इंटरव्यू के लिए जब गया मैडम के पास, तो मैडम ने मेरा देखा सीवी. अब तो जानते हो सर, मैं कोलकाता से इंटरव्यू है लखनऊ बाहर से रह के. तो गाइस एक चीज बता दूं कि बाहर से रह के भी लोग सेलेक्ट होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ही वाज फ्रॉम कोलकाता एंड ही सिलेक्टेड फॉर लखनऊ. तो ये चीजें नॉर्मल है, ये ऐसा नहीं है भाई. इफ यू आर हैविंग पोटेंशियल, इफ यू आर हैविंग नॉलेज, देन हां होते हैं. लेकिन सर मतलब क्या बोलूं सर, होते हैं लेकिन होने के लिए जो ट्रिक्स चाहिए, ट्रिक्स के. ओके ना, ओके. हां ओके सर. हां हां सर, अब ये बताओ कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, जैसे तुम गए थे तो तुमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे सर? हमें ऑडिबल सर. या ये ऑडिबल सर, पहले पूछा सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद पूछा व्हाई वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री. ओके सर, तुम एक बार लीव करके फिर से जॉइन करो, आवाज आगे पीछे आ रही है यार. हां मीटिंग लेफ्ट करके जॉइन करो फिर से. या सो गाइस, सौरभ गॉट सिलेक्टेड फॉर लखनऊ बेस टुडे इटसेल्फ. तो मैंने सोचा है कि जैसे ही लोग सिलेक्ट होंगे तुरंत उनका वीडियो बना देंगे. या सौरभ? हां सर. उसके बाद पूछा कि रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए सही हो, यह सब कि कितना दूर रहते हो तुम एयरपोर्ट से, ये सब वगैरह क्वेश्चन पूछा. सौरभ, तो वहाँ पे उन्होंने ये पूछा कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है करके, कि भाई डिपार्टमेंट कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो, सब चीजें कब बात, ये बात पहले की कि बाद में की, कब हुआ है सब चीजें? सर ये बाद में की सर, बाद में की, और बोला कि अभी वैकेंसी नहीं है, मतलब मेरा जो हुआ है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हुआ है अभी. ओके. कस्टमर सर्विस में बोला कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी था बहुत कम था. ओके, तो तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए हुआ है. ओके सौरभ, चलो पहला राउंड क्लियर हो गया. उसके बाद पहले राउंड कितने लोगों ने क्लियर किया था, जैसे 140 लोग के आसपास आए थे तो उसमें से कितने लोगों ने पहला राउंड क्लियर किया था? या सौरभ, 140 स्टूडेंट से? हाँ बताओ. हाँ सर. पहला राउंड होगा सर, ज्यादा लोग क्लियर नहीं किया था सर पहला राउंड. ओके सौरभ, आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज स्पीक बिट लाउडर, है ना, थोड़ा लाउडर बोलो, थोड़ा माइक को पास ले जाके बोलो भाई, कितने लोगों ने क्लियर किया था? हाँ हाँ सर, उससे 140 लोग आया था होगा सर, उसमें सर 40-50 लोग ही सर फर्स्ट राउंड क्लियर
उसके बाद सेकंड, मतलब ये मैंने देखा कि जो जो लोग फर्स्ट राउंड क्रैक कर रहे थे ना, उसके लिए सेकंड राउंड वो क्रैक कर ही गए। ओके ओके, बहुत कम था कि फर्स्ट राउंड क्रैक के बाद सेकंड राउंड क्रैक नहीं कर पा रहे थे। मतलब फर्स्ट राउंड में वो देख रहा देख ले रहा था कि होगा या नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट राउंड 40 लोगों ने क्लियर किया। उसके बाद ये बताओ सौरभ कि सेकंड राउंड में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए यार? के पास गया वो सेमी पूछा, क्या क्वेश्चन पूछे ना सेकंड राउंड में? मतलब बोला ना सर आपको, दोनों ही 1-to-1 इंटरव्यू हुआ, कोई अलग से मतलब अलग से कोई हुआ नहीं कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दोनों ही हुआ, दोनों ही सर 1-to-1 इंटरव्यू था। पहले एचआर जो जो पूछा, दूसरे एचआर वही पूछा, नॉर्मल इंटरव्यू था। तो उन्होंने तुमसे सेम क्वेश्चन पूछे, व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडिगो एयरलाइंस एंड ये वो? ओके, ड्यूटीज एंड जॉब रिस्पांसिबिलिटी पूछी क्या तुमने उनसे? उन लोगों ने तुमसे पूछी क्या ड्यूटी एंड जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या क्या है? हाँ हाँ सर, सिक्योरिटी का जॉब रिस्पांसिबिलिटी पूछा सर। ओके, तो सौरभ ये बताओ यार कि चलो उसके बाद फिर क्या हुआ जब तुमने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया, तो उन्होंने क्या बोला फिर तुम्हें? सेकंड राउंड क्लियर करने के लिए बाद सर वो मुझको बोला कि बाहर वेट करने के लिए। तो वेट जब किया तो फर्स्ट जो मैडम जो मेन एचआर था उसने पहले, उसके बाद मुझे बुलाई अंदर और बोला कि कंग्रेचुलेशन यू गॉट सिलेक्टेड एंड मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बोला। डॉक्यूमेंट अभी कर दिया हूँ। तो उसके बाद बोला है कि 8 से 10 दिन बाद ट्रेनिंग होगा, दिल्ली में जाना होगा। ग्रेट ना, ग्रेट ना सौरभ, सो कांग्रेचुलेशंस। सो सौरभ यू आर आवर कोचिंग 110 स्टूडेंट ना, 110 स्टूडेंट यार, ठीक है? अब तक हमारी कोचिंग से 110 लोग सिलेक्ट हुए, तुम्हारा नंबर 110 है, ठीक है? दो लोग और सिलेक्ट हुए, अंकिता गॉट सिलेक्टेड फॉर स्पाइसजेट एंड वन मोर स्टूडेंट फॉर देहरादून। तो सर 113 हो गए टोटल। तो उनकी लाइन से ऐसे इंटरव्यूज आएंगे, सो दैट हमने ये सोचा है कि जितना हो सके पहले जो है उनसे बात कर लें, उनसे ताकि लोगों तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है? तो ये तो सौरभ तुम्हारा कोई पर्सनल सजेशन या पर्सनल कोई टिप्स तुम शेयर करना चाहते हो बाकी स्टूडेंट के साथ, तुम शेयर कर सकते हो भाई 4-5 कोई पर्सनल टिप्स जो तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट को जानना चाहिए, तुम प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज शेयर दर योर पर्सनल टिप्स फ्रॉम योर साइड, सम टिप्स फ्रॉम योर साइड की हाउ दे कैन क्रैक ऑल्सो द एयरलाइंस इंटरव्यू। सर फर्स्ट थिंग तो मैं बोलूंगा कि उधर मैं बहुत लोग को देखा कि प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं थे, मतलब क्लीन शेव नहीं थे, मतलब क्या बोलो कैजुअल ड्रेस पहन के चले गए। तो मैंने सुना भी है जब बैठा था एचआर पहले, मतलब एक बंदे को, बंदे का बियर्ड था, उसको बोला कि तुम इंटरव्यू देने आए हो और बियर्ड भी नहीं शेव किया, क्या बात। तो ये पहला ग्रूमिंग का जो है वो तो है। दूसरे बात सर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस बोलो देख रहे कि जो भी बोल रहे कि कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे कि नहीं बंदा, ये दो चीज़ तो बहुत मैटर कर रही है सर अभी। बाकी और कुछ? और कुछ तो मैं सर मतलब अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो उनको बोलूंगा कि अगर चाहते हैं वो मतलब एविएशन इंडस्ट्री का पार्ट होने के लिए तो एविएशन लाइफ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। ओके ओके सौरभ, मैं एक चीज और जानना चाहती हूं, हाउ वाज दिस कोचिंग हेल्पफुल फॉर यू? आई मीन कोचिंग तो पहले हेल्पफुल थी कि भी कि नहीं थी कि क्या हुआ? तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट सर, हेल्पफुल मतलब क्या बोलूं सर, मतलब इंटरव्यू में गया सर, पहले से लास्ट तक जो भी पूछा, आपने जो सिखाया वही पूछा सर, एक भी इधर-उधर नहीं, जो हुआ सर पूरा का वही हुआ सर। तो अच्छी बात ये है कि साथ में जीडी भी नहीं हुआ यार, तो जीडी नहीं होता तो कहीं ना कहीं और आसान हो जाता कैंडिडेट्स के लिए, और जहां भीड़ कम हो रही तो वहां जीडी क्यों होगा यार, जरूरत ही नहीं है, ये चीज है। तो भाई सौरभ अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहता हूं फटाफट से ट्रेनिंग वगैरह हो, ट्रेनिंग स्टार्ट हो। अब देखना तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन आएगा, फिर मेडिकल का तुम्हें मेल आएगा, तो मेडिकल करवा के भेजोगे, फिर तुम्हें एयरलाइंस की टिकट आएगी। ओके, एयरलाइंस जब टिकट आएगी तो बोल देना कि मैम यहाँ से मुझे टिकट चाहिए, तो जो लोग वो लोग तुम्हें ऑप्शन देंगे कहाँ से तुम्हें टिकट चाहिए, तो तुम वो ऑप्शन बता देना, और बस ऑप्शन बता देना और क्या है, फिर वहाँ से मैं फ्लाइट की टिकट भेज देंगे, तुम वहाँ से फिर ट्रेनिंग करने निकल जाओगे दिल्ली। दिल्ली में भी ट्रेनिंग चल रही है, 1 मार्च को अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे दिल्ली बेस के लिए, दिल्ली बेस से, तो उनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो जैसे ही 10 दिन में उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो मोस्ट ऑफली 10 दिन इसलिए रखा कि उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी, ये चीज़ है, ऐसा बेसिकली होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हुआ कहीं ना कहीं, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कहीं ना कहीं भाई अच्छे से एयरलाइंस में रहना, और कहीं ना कहीं मतलब ये सजेशन लगा यार, बीइंग अ फ्रेशर और क्या चाहिए भाई, है ना? बीइंग अ फ्रेशर यू गॉट सेलेक्टेड, तो यार फ्रेशर्स के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, गो एंजॉय एंड एंजॉय द एविएशन लाइफ, है ना? तो ठीक है सौरभ, है ना, तुम्हारी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी भेज देना, क्योंकि हम लोग कोचिंग में लगाएंगे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सेंड योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड आई विल मेक अ बैनर एंड आई विल अपलोड इट एंड वी विल शो द स्टूडेंट्स दैट आवर स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड एंड यू आर द 110 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर द Airlines industry and Indigo Airlines as security officer. हाँ, हालांकि तुम्हें customer service join करना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं,
इफ यू आर नॉट हैविंग ऑप्शंस देन अगर वो पूछ रहे हैं कि भाई कैन यू जॉइन दिस डिपार्टमेंट तो भाई वहां तो हां बोलना ही है इफ यू आर सेइंग नो देन तो क्लियर कट रिजेक्शन ही है ठीक है ओके सौरभ थैंक यू फॉर कमिंग एंड इन आवर प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग द एंटायर एक्सपीरियंस बाय बाय सौरभ बाय बाय एंड हैव अ अमेजिंग डे एंड डू एंजॉय द डे है ना और सिलेक्शन होने के बाद मजा आ रहा है कि नहीं मतलब फील कैसे आ रहा है भाई ये भी बता दो थोड़ा सा बॉस सर ये तो सर लखनऊ का स्ट्रीट में निकला हुआ सर एंजॉय कर रहा हूँ अभी दोस्त भी मिल गए दोस्त के साथ निकला हुआ सर मेरा दोस्त भी मिल गया सर दोस्त भी मिल गया दोस्त भी आपका फैन है सर जब बोला आपके कोचिंग से हूँ मतलब मुझसे ज्यादा उनको पता है कि आपके बारे में सर बहुत सही ना तो हेलो भाई है ना तो सौरभ से गाइडेंस वाले ले लेना भाई है ना और तुम भी मौके में लगे हाथ नौकरी मिल रही है मैं बोल रहा हूं सर वो भी सिलेक्टेड हो गया आज गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग अरे तुम दोनों सिलेक्ट हो गए क्या क्या हुआ सर तुम दोनों सिलेक्ट हो गए हो क्या भाई हां सर दोनों सिलेक्ट हो गए कस्टमर सर्विस सिक्योरिटी नहीं बहुत सही काम आएगा फिर ना दोनों अगर दो लोग जो जान पहचान के लोग सिलेक्ट होते हैं ना तो और मजा आता है नहीं सर थैंक यू आज एक्चुअली मुझे भी आपको थैंक यू बोलना था इसलिए कि सर लास्ट टाइम ने मैंने आपका वीडियो देखा है ना वो तो बात रही वीडियो रिमूव कर दिए और कुछ-कुछ चीजें लेकिन जिन-जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया वीडियो को मतलब उनके लिए तो हमेशा लाइफ टाइम काम ही आएगा यार मेरे लिए तो सर वो लास्ट टाइम वरदान था देखिए जो भी लास्ट टाइम मेरे लिए वो वरदान था है ना क्योंकि अब जाहिर सी बात है सर इंडिगो में दे रहे हैं तो मुझे कुछ पता है नहीं बिकॉज हम तो एविएशन से नहीं है सर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपका वीडियो देखा फिर वो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स था यही करना है और डिट्टो सर वही आ भी गया एंड फॉर्चुनेटली सेलेक्ट भी हो गए दोनों लोग ये बताओ तुम लखनऊ के कि एक बाहर के रहने वाले हो नहीं नहीं सर मेरा तो मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ से हूं सौरभ है ना गुड ना गुड सौरभ ठीक है भाई मैं तो सौरभ के लिए मैं तो सौरभ के लिए हूं भाई मैंने कहा कि चिंता मत कर लखनऊ में है अब पोस्टिंग तो मस्त रहेंगे दोनों भाई ओके बहुत सही ना बहुत सही एक साथ पीजी वीजी भी ले लेना ना भाई फिर है ना पीजी वीजी भी ले लेना एक साथ और क्या है नियर बाय मैं इसको अपने घर के मैं इसको एयरपोर्ट के पास दिला दूंगा पीजी है ना जाने वाले हैं सब बंदे मेरे सर बहुत सही है ना फिर क्या होगा पीजी लोग काम करो और बस है ना फिर तो क्या ही बताऊं मेरा तो सर घर ही है यहां पर तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं ओके बहुत सही है ना सो कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू है ना मजे करो और थैंक यू सर अभी तो कुछ नहीं करना फिर रात भर घूमो मतलब स्वाद आया भाई है ना सिलेक्शन का समझ रहे हो है ना आई डोंट नो तुम्हें आवाज आ रही कि नहीं आ रही बट मैं तो इस सजेशन को रात भर घूमो डू एंजॉय एंड गाइस दिस वाज ऑल अबाउट देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस बोथ गॉट सिलेक्टेड तो रात भर घूमना है ना भाई अभी ठीक है रात भर घूमो फील लो है ना थैंक यू सर थैंक यू वेलकम व्हेन आई गॉट सर्टेन नहीं नहीं सर मैं तो बस निकल रहा हूं सुबह का ट्रेन है सर मेरा सुबह का ट्रेन है इसका ओके भाई है ना तो रात भर घूमो ट्रेन में जाके सो जाना कल सुबह ठीक है ओके गाइस है ना चलो बाय okay. मैं वीडियो अपडेट करता हूँ अभी चलो भाई बाय बाय यार बाय बाय ओके थैंक यू सर थैंक यू सो मच